तेलंगाना में नागरकुर्नूल में पीएम मोदी मंच पर पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन। रैली में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी का संबोधन, कहा लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है पर देश की जनता ने पहले ही कर दिया है नतीजों का ऐलान। पीएम मोदी बोले, देश की जनता कह रही है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, तेलंगाना कह रहा तीसरी बार मोदी सरकार। पीएम मोदी का कांग्रेस बीआरएस पर अटैक, कहा तेलंगाना को बर्बाद कर रही कांग्रेस, करप्शन के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर, राउज एवेन्यू कोर्ट में 15,000 के मुचलके पर दी बेल, नियमती पेशी के लिए भी केजरीवाल को छूट दी गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई केजरीवाल की पेशी, ईडी के 8 सम्मन पर भी पेश न होने पर हुई सुनवाई, शराब घोटाले में पूछताछ करना चाहती है ईडी, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी, गिरफ्तारी के बाद ईडी ने किया पेश, कल हैदराबाद से हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी से पहले बोली बीआरएस नेता के कविता, ये केस फर्जी है और मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी। तेलंगाना के मल्लिकागिरी में बीआरएस वर्करों का प्रदर्शन, एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी का जताया विरोध। पीएम मोदी की पोस्ट, ऑटो में लगे पोस्टर की तस्वीर की शेयर, पोस्टर में लिखा इस ऑटो में सवार मोदी का परिवार। पीएम मोदी के गाने का वीडियो भी शेयर किया गया, मैं मोदी का परिवार हूं, गाने के साथ लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना पर की पोस्ट, लिखा 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, यूपी से 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी, सरकार के 10 साल के काम और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मांगे सुझाव। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 19 मार्च को बैठक, मैनिफेस्टो को किया जाएगा फाइनल, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के थीम सॉन्ग लॉन्च, कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया, सॉन्ग में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र। मुरादाबाद में दीक्षांत परेड समारोह में सीएम योगी, कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था से देश में बनी एक लकीर, पिछले 7 सालों में नहीं हुआ कोई दंगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला, इनेलो के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में राज ठाकरे एनडीए में हो सकते हैं शामिल, दक्षिण मुंबई सीट पर एमएनएस प्रत्याशी उतारने की मांग, बीजेपी ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। महाराष्ट्र में भिंडी में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। मुंबई में राहुल गांधी और संजय राउत के पोस्टर, बीजेपी ने बालासाहेब ठाकरे का वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल, लिखा पोस्ट में उद्धव आदित्य की फोटो गायब। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावन कुले का उद्धव पर अटैक, कहा मुगेली लाल ने हसीन सपने देखे, उद्धव टूटे विधायकों में से कोई वापस आने वाला नहीं। शरद पवार से मुलाकात पर बोले बालासाहेब थोराट, राहुल जी की यात्रा समापन और एनडीए अलायंस की मीटिंग के लिए न्योता दिया गया। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी पर चले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाए गिरफ्तारी। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीए लागू होने के खिलाफ दायर की याचिका, कानून को बताया असंवैधानिक।